मंदिर तो बहुत सुंदर सजाया। किसने सजाया? शादी ने बाजी। इवन यहाँ से पापा का आशीर्वाद नहीं सकते। आशीर्वाद दीजिए पापा। मेरा आशीर्वाद। नया काम शुरू करने से पहले सिर्फ आपसे आशीर्वाद लेना चाहता हूँ, पर आप बात को किस तरफ ले गए? कोई बात नहीं करें, आशीर्वाद तो आशीर्वाद ही होता है। तुम मम्मा का आशीर्वाद ले, एक ही बात है। एक ही बात होगा मतलब क्या? तुम्हारी हिम्मत कैसे हो? और दीजिए छूटा बिस्तर की बहुओं को। ये दिन आना ही था, इस तरह बस बदतमीजी से बात कर रही है अपने ससुर के साथ। आप किस तरह सवाल उठा रही है ससुर के स्वाभिमान पर? आशीर्वाद की मतलब जानती है ना, जब खुद का पिता होता। नंदकिशोर पिता बनकर उन्हें ये अहमियत समझाएंगे और मेघना का ये बचपना माफ कर। वो मतलब खफा है उससे पहले सीन में जो हुआ है, और बहुओं ने झूठ बोला है, मेघना ने तोड़कर जा रही थी, और फिर वो रूम में भी देखता है कि कैसे शारदा जी करण का इलाज कर रही है काम पे, मगर वो इतना खुश नहीं है और उसे आशीर्वाद भी नहीं देता है। वो कहता है कि पहले तुम अपनी काबिलियत दिखाओ, सिर्फ नए कपड़ों से कोई बॉस नहीं बन जाता है, और जिस दिन अपनी काबिलियत दिखाओगे तुम, क्योंकि देखा है उसने कि कितनी बार पहले करण मतलब कुछ करके रुक जाता। तो ये बात मतलब उसके ईगो को हर्ट कर देती है और वो गुस्सा हो जाता है उस पर। जी आप फिर इसी बात पर आप कहते कि आपके पिता नहीं हैं। हाँ, उसे भी दो बात सुना देता है एक्टर के, मतलब बहुत ही इम्पल्सिव, जो भी मतलब आता है कह देता है वो। और